नालायक क्या बतियाते रहते। गुड इवनिंग सभी को, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को संध्या वंदन। रात के 9 बजे की क्लास लेकर के मैं अनिल विस्वानी बिस्वानी क्लासेस पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दो एक साथ है, एक ले लो पहले। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब बताइए। ये क्या है, कहां क्या है, क्या हो गया है, कौन सी बुक्स, क्या चाहिए लाल मेरे, क्या हुआ है लल्ला, अयोध्या वाले भैया, इट्स बीइंग डिलेड, नो 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 बीइंग डिलेड, नोबडी। बहुत बहुत आभार आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अभी अयोध्या वाले भैया, अभी डीवीएस भैया, अभी बताते हैं आपको, अभी बताते हैं। ऐसा होता है बेटा, जब हमको कोई चीज सीखनी होती है, लर्न करनी होती है, तब उसमें हमको कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ता है। तो जब भी सीखने की और जानने की बात आए किसी की क्रियाविधि को, तो हम हाउ टू का यूज करके सेंटेंस को प्रिपेयर करें। जैसे मैं कहूं, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, मैं उर्दू सीख चुका हूं, या इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें जानने के लिए बात करता है, तब हम हाउ टू लर्न का यूज करते हैं। जैसे वहां पर सेंटेंस क्या था, वहां अंग्रेजी पढ़ना सीखना कुछ ऐसे था सेंटेंस, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू टीच इंग्लिश, है ना, हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश। बात समझ गए, जब भी रीड इंग्लिश, जब भी सेंटेंस में किसी प्रकार की चीज को, मेथड को, विधि को सीखने की बात करेगा, तो हाउ टू लर्न का यूज करेंगे, हाउ टू नो का यूज करेंगे। बात समझ गए, बस ये बात थी और कोई खास बात ही नहीं थी उसमें। तो अब यहां पर क्या इरिटेट्स हो जाएगा ये, बिल्कुल गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब है मुझे परेशान मत करो, इरिटेट मत करो यार, चिढ़ाओ मत मुझे। विच पोएम एंड्स, I shall but love thee better after death, मैं तुझे प्यार तो करूंगा लेकिन तेरी मौत के बाद। किसमें से ये लिया गया है, क्या हाउ डू आई लव दी, सारे ऑप्शन देख लें आप आराम से, ये किसमें से लिया गया है, हाउ डू आई लव दी, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, या इन फेथ डू आई नॉट लव दी, माइन आइज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये किसकी पोएम से लिया गया है, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, मैं थोड़ा हाथ सेक लेता हूं। बताइए भैया, नहीं प्रोस्पाइक नहीं, कौन सा प्रोस्पाइक, कहां प्रोस्पाइक रखा है इसमें, सा गोला हो गया, गोला हो गया, ये हाउ डू आई लव दी, ये है पोएम एलिजाबेथ बैरेट बाउनिंग की, 42 लव सोनेट्स उसमें लिखे हैं उन्होंने, उनमें से एक सोनेट है हाउ डू आई लव दी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की मिसेज, और उनकी लिखी ये कविता हाउ डू सोनेट है, एक्चुअली लव सोनेट है, और हाउ डू आई लव दी से ये लिया गया है ये लाइन, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। लो पोपट हो गया पहला क्वेश्चन, एग्जामपुर से ही फॉलो कर रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा है बेटा, बढ़िया है, बस कुछ सीखते रहो, हमेशा मेरे से सीखते रहो, जो भी सीख पाओ आप। विच पोएट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस, नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस का किसको कहा जाता है, नेशनल हीरो ग्रीस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोलो जरा बेटा, हाउ डू लव आई लव दी, यस पोपट तो होना ही था, भैंसी आ गई पानी में तुम्हारी,
ठंडक तो भाई खूब मजेदार हो रही है। मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, चुप्पे घर में बैठ के मैटर तुम्हारा तैयार कर रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, और पढ़ा रहा हूँ, बस आनंद ले रहा हूँ जीवन का। लॉर्ड बायरन, बायरन बिल्कुल बेटा, लॉर्ड बायरन को ग्रीस का नेशनल हीरो कहा जाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। चलिए, विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड, किस प्रकार की पोएम है ये? क्या ये सॉनेट है, या नॉनसेंस पोएम है, या नेचर पोएम है, या एपिक्स है, ये क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, उत्तर दो, क्वेश्चन दो, कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट। सर जी सीएल बंद है, क्या बंद है नालायक? अच्छा कॉलेज बंद है, तो कॉलेज तो बंद है ये। जॉन कीट्स, कौन जॉन कीट्स? एडवर्ड लियर किस पोएम से, इसमें से किस प्रकार की पोएम से रिलेटेड है? फिर पोपट होने जा रहा, फिर पोपट हो गया, फिर पोपट हो गया, फिर पोपट हो गया, फिर पोपट। तुम्हारे बस की बात नहीं है क्वेश्चन का आंसर देना। ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ये नॉनसेंस है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं तुमको। पोपट हो गया सब मेरे बच्चे मेरे लल्लों का, पोपट हो गया। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डॉग विद द ल्यूमिनस नोज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉनसेंस पोएम्स, एक पोएम है नॉनसेंस पोएम, और नॉनसेंस पोएम लिखने का श्रेय विक्टोरियन पोएट और आर्टिस्ट एडवर्ड लियर को जाता है, जिनका जन्म 1812 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1888 में हुई थी। सर नो दिक्कत, ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है बिटवा, नहीं है बेटा मेरा, ये पागल है। कौन पागल है? मैं पागल हूं? हे भगवान, मुझको पागल का, अभी देखो सब मारेंगे तुमको अगर हमको पागल का। डॉग विद द ल्यूमिनस नोज इज द नेम ऑफ द पोएम दैट इज द ग्रेटेस्ट नॉन नॉनसेंस पोएम बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉनसेंस पोएम्स बाय द विक्टोरियन पोएट एंड आर्टिस्ट एडवर्ड लियर 1812 से 1888। पोपट फिर हो गया। इन कॉलरिज पोएम्स, बहुत ध्यान से करना। गुड इवनिंग भैया राकेश, आओ। पोपट हो रहा बार बार आज, दोनों बार नहीं जाकर भैया, पोएम भी नॉनसेंस होती है और क्या, कभी जो भी लिख दे वो सब सेंस नॉनसेंस हो जाता है। इन कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मारनर वेर वर द गैलेंट्स गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे, गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, ढोलक की आवाज आ रही थी, साजो सामान की आवाजें आ रही थी। वेडिंग वेडिंग शिक्षा यादव, बहुत बढ़िया बेटा, ये देखो पोपट से बच गई। अर्चना नितिन, ये वेडिंग है, ये ए नहीं है, ये बी है, ये वेडिंग में जा रहे थे, शादी में जा रहे थे। तो गजब का क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, तो कैसे रात में, इतनी रात में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ठंडक में खड़े होकर के, अगर क्वेश्चन भी वही हल्के फुल्के हुए तो मतलब क्या रह गया फिर पढ़ाने का। हारोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट अ वेरी येलो एंड ग्लब परफेक्ट मैनर्स, इसके बारे में कहा था। इतना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेडिंग सही था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, फिर तो पोपट होगा क्या? राइटर नॉट श्योर। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एस इलियट, लक्ष्मी सरोज, यू आर राइट, एब्सोल्युटली टी एस इलियट द करेक्ट ऑप्शन।
हारोल्ड निकोलसन ने टीएस इलियट को कहा था, वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर्स, बहुत शानदार, तारीफ करते हुए उनकी कहा था। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन, क्या चीज उनके जो सामान्य जीवन में थी, एक अद्भुत प्रकार का जीवन वो जीती थी, और उनके जीवन में थोड़ा सा असामान्य क्या था, अद्भुत था क्या, अद्भुत क्या था तो उनके जीवन में, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन। पांच में एक भी सही नहीं रमेश भैया, ऐसे निकाल यार, ये तो सर ऊपर से जा रहे हैं, इसमें तो कैच भी नहीं कर पा रहा है, तो कैच करना, अभी तो शुरुआत की हो खेलने की रत्नेश। नाम नहीं लिया आपका नीरज भैया, बताया था, अरे कैसे आपका नाम नहीं लेंगे, आप हमारे नियमित श्रोता हो और आप मैडम के लिए पढ़ रहे हो, हम जान रहे हैं, आप तो पुलिस में नौकरी कर रहे हो, हम जान रहे हैं आप मैडम का सपोर्ट करने के लिए पढ़ रहे हो। मैडम जी कहाँ हैं आपकी, इसमें दिख नहीं रही हमको। मेरा भी हाल रमेश, अच्छा रमेश भैया मेरा भी हाल भैया, चलो चलो अभी हो जाएगा, रिलैक्स बेटा। अच्छे क्वेश्चंस ना मिले तो क्या मतलब है रात में पढ़ने पढ़ाने का, इस समय अच्छे क्वेश्चन सुना जरूरी है। वो घर से बहुत कम निकलती थी, फिर पोपट हो गया तुम्हारा, सी रेयरली लेफ्ट होम, जैसे मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ, मैं सारा दिन, और मस्त रहता हूँ, कोई ऐसा मतलब ही नहीं है बाहर, हालांकि वैसे भी मेरा आदत नहीं है बाहर घूमने की, ना 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 मुन्ना ना, ये फिर पोपट, एक और पोपट अपने हिस्से में लगा लो, आप तो लिटरेचर सारा पोपट करवा रहे हैं आप। ये एमिली डिकिंसन एलटी ग्रेड के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सी नेवर अटेम्प्ट टू पब्लिश, ना ही नहीं, ये कुछ नहीं, अटेम्प्ट पब्लिश तो उनकी बाद में हुई ही थी, फिर गलत हुआ। हाँ रेजिडेंस में अपने रहती थी, सफेद कपड़े पहन के चुप्पे चाप घर में पढ़ती थी, रिक्लूसिव नेचर उनका था, बहुत ही रिक्लूसिव नेचर था, बहुत ही संत प्रकार की थी। रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये एलटी ग्रेड और पीजीटी के लिए। अंशुर सर को ठंडक लग रही थी, वो गांव चले गए हैं, मैं अकेला ही रहता हूं यहाँ। अरे ऋचा मिश्रा आपका नाम, पूनम कुमारी, राकेश यादव भैया सबका नाम ले रहे, सुभाष भैया हमारे गोंडा वाले हैं का मिश्रा जी, जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तब समझ में आने लगेगा। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री तो लिटरेचर अभी पढ़ाएंगे ना, हिस्ट्री लिटरेचर एस्टिक वन थी वो, बिल्कुल, ये देखो ये गया ज्ञान बाबा आ गए ज्ञान बाबा। अच्छा ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी भी आए का, चलो ये सेंटेंस बताओ, मनोज शर्मा बताओ फटाफट बेटा, शीतल सिंह, शीतल सिंह, रूपा कुमारी बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार में, ये सब नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, मेरे जैसे कवि थे, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत ही हैंडसम थे वो, रूपर्ट शानर ब्रूक ये नाम था इनका, वाज एन इंग्लिश पोएट नोन फॉर हिज आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्पेशली द सोल्जर, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग लिखा था। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज वॉइस गुड लुक्स, लड़काना मतलब मर्दाना गुड लुक्स के लिए भी जाने जाते थे, विच वर सेड टू हैव प्रॉम्प्टेड द आयरिश पोएट डब्ल्यू बीट्स टू डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसमस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, और डब्ल्यू बीट्स ने उनके बारे में कहा था वो इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, ये डब्ल्यू बीट्स ने उनके बारे में कहा था, बहुत बढ़िया नाम है, इनको याद रख लीजिए अपने पास। हेल्थी का क्वेश्चन, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है। हाँ सोल्जर थे ये, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत फास्ट हो भाई, नेटवर्क बड़ा बढ़िया है तुम्हारा,
विच पोएट लॉरेट रोट अबाउट अ चर्च माउस? अब लो ये तो क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन है ये सर? एक तो याद का क्वेश्चन दे दो, दे देंगे दे देंगे, अभी ले लेना क्वेश्चन, ले लेना अभी। विच पोएट लॉरेट रोट अबाउट चर्च माउस? हाँ, पूरे इंग्लैंड में सबसे हैंडसम, फर्स्ट की जगह सेकंड हो गया। कोई बात नहीं प्राची, शक्कर की चाय बना रहे हैं। हाँ भिजवा दो, क्या करें गुज्जर मैया, आंचल मैया। ना ना मुन्ना ना, ये बेंजामिन थे। फिर पोपट हो गया। ये थे बेंजामिन, और ये बेंजामिन क्या थे ये यहां पे देखो। जॉन बेंजामिन वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 28, 1906 नियर हाईगेट लंदन। हिज फादर वॉज ए कैबिनेट मेकर, अ ट्रेड विच हैड बीन द फैमिली ऑफ द सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशन से इनका पेशा व्यवसाय था। ही रोट डायरी ऑफ अ माउस चर्च, एक चूहा, और माउस चर्च एक ईडियम भी होता है। तो जब ईडियम होता है ये माउस चर्च, तो इसका मतलब होता है बहुत ही गरीब आदमी, दरिद्र, पापर, PAUPER, पापर, वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर। डाई ऑफ हंगर वाली स्थिति, चर्च का जो चूहा होता है बहुत गरीब होता है, ठीक है ना? तो चर्च का चूहा सबसे गरीब, तो डायरी लिखा था उन्होंने, जॉन बेंजामिन ने, डायरी ऑफ चर्च माउस। विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टिंग ट्रुथ इन 1996, 1996 में किसने पब्लिश किया था अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ, एक बहुत ही बहादुरी से भरा हुआ और स्टार्टलिंग ट्रुथ, स्टार्टल करने वाला, भौचक्का कर देने वाला। अच्छा, लिखा था आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, पापर माने बहुत ही गरीब व्यक्ति, बहुत ही गरीब। एक बार शेयर करो वीडियो जरा, अभी 100 नहीं आए हैं नालायक, पता नहीं कहाँ का कर रहे हैं, हमारे नहीं समझ मारा। ग्रीक क्वेश्चन दे रहे हैं, ग्रीक क्वेश्चन नहीं है, शेयर करो चलो फटाफट। 9 का डी माइकल पामर बता रही है। फिर से पोपट होने जा रहा है, या नीति चौधरी का उत्तर आया सी, माया एंग्लो, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट, बिल्कुल रूबी एजाज, ये सब तुक्का है, ठीक है, जिसका लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। ना ये रॉबर्ट फॉरवर्ड कुछ नहीं है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे देते हैं। अ ब्रेव एंड स्टार्टिंग ट्रुथ बाई माया एंग्लू, रिटन मेनी ईयर्स अगो अबाउट अ टाइम दैट मिरर्स टूडे वर्ल्ड, आज के संसार को मिरर करके कविता लिखी है, बिल्कुल वैसा ही हूबहू एक देश, एक कंट्री, एक वर्ल्ड उन्होंने इमेजिन किया। एक्सप्रेसेस विच माइट बी वन कंटिन्यू टू चूज द लाइट, अगर हम ऐसे ही प्रकाश चुनते रहे और अंधकार को छोड़ते रहे, नो मैटर हाउ डिविसिव द वर्ल्ड और आवर प्रॉब्लम्स अपीयर, कितनी भी डिविसिव और खतरनाक हो हमारी प्रॉब्लम्स जो है, हमें हमें भटकाने वाली हो, अ ब्रेव एंड स्टार्टिंग ट्रुथ जो है, वी दिस पीपल ऑन स्मॉल एंड लोनली प्लैनेट ट्रेवलिंग थ्रू कैजुअल स्पेस, उन्होंने कहा था हम इस पूरे संसार में एक स्टार्टलिंग ट्रुथ, बहादुरी से भरा और भौचक्का करने वाला सत्य ये है कि हम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ अकेले पैदा किए गए हैं उस संघर्ष से लड़ने के लिए, जीने के लिए, और हमें खुद ही फाइट बैक करना होगा, वरना कुछ भी नहीं घटित होने वाला, बस यूं ही पड़े रहोगे। हु रोट अबाउट द आइडिलिक आइल्स ऑफ इनिसफ्री, बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्टीग्रेड के लिए ये। दिस क्वेश्चन आर ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, नॉट 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 रियली। मीनाक्षी गहलोत, अंशु जी का तुक्का सटीक है बिल्कुल, और का उमेश भैया, अंशु मैडम हमारी बहुत होशियार है। आज जैसे इनका मैसेज आया आज क्लास नहीं होगी क्या, हम जो है पहुंचा दिए तुरंत ग्रुप।
डब्ल्यू बी ईट्स बिल्कुल सही है उत्तर, ये डब्ल्यू बी ईट्स बिल्कुल सही है उत्तर। 24 नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, बहुत बेहतरीन इडियम। चलो इडियम करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, अब तो कर लोगे ना। सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वियरिंग दियर हर्ट्स ऑन दियर स्लीव, दिल स्लीव में रहता है, भुजा में, तो उन्हें कुछ जो पूछ ले सब बता देते। ये बता तो जाने बेटा, प्यास लगी है मेरे को थोड़ी सी, मैं हट जाता हूं सामने से हट के पीता हूं। बी saying something which is not to be taken seriously, no, अरे हटो ये नहीं, सी सही है, exposing their innermost feelings to others, अपने मन की बात बगल वाले को बता दे, क्योंकि दिल यहां है ही नहीं, दिल तो यहां है, जो भी आएगा जान के पूछ के चला जाएगा। तो दिल बगल में रखने का मतलब है अपने दिल की बात एक सारा किसी से बता देना, सबको बता देना, ये सी बिल्कुल करेक्ट है। ओपन यहां भी होने ही वाला था बस। द डॉक्टर सेज दैट पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर, ये दोबारा आया है आपके सामने, आपकी गलत नहीं होना चाहिए। पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सपोज कर देना, अपने दिल की बात बता देना उसको। अब ये करके दिखाओ चंचल मैया, कहां रहती हो आप? शादी की बात तो इतना बिजनेस आपका, स्कूल और शादी, बस तैयारी पता नहीं कैसी चल रही है, मुझे नहीं पता कैसी चल रही तैयारी आपकी, आप कम दिखते हो ऑनलाइन में मेरे बच्चे। अरे अब तो नौकरी फोकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी हो, वहां का रखा है प्रिंसिपल में, का जो है काहे पूरा समय अपना वहां कॉपी जांच रहे हो, अलिबेते की बैठ के तैयारी करो जमक के 3-4-5 महीने और बढ़िया से गवर्नमेंट जॉब का मजा लो जाके। चंचल मिश्रा ने बताया ए बिकम वर्स, उल्टिया दिया आपने, ये बी सही है, ये कंप्लीटली कन्वलसेंट होता है, ये कन्वलसेंट होता है, रिकवर होना है। देखिए गलत हो गया आपका, फ्वाइट के लिए कॉर्नर होता है, अब फ्वाइट के लिए नहीं तो कॉर्नर होता है। गुड इवनिंग लक्ष्मी बेटा, चलो ये हमारा बैच है अल्टी ग्रेड प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी का जो चल रहा है और आप उसमें पढ़ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा बनंजा है, सब पढ़ाया जाएगा, जितना पैसा हो जमा करके एडमिशन ले लो, पढ़ाई करूंगा और कोनो टेंशन की बात नहीं है, बात समझ गए। और ज्यादा हम प्रचार प्रसार कर नहीं पाते ना हम ज्यादा बातें कर पाते। एक्सरसाइज नंबर बुक भी आ गई, कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट हर मनी, अपना पैसा खो जाने के बाद वो हाई एंड ड्राई छूट गई अपने दोस्तों के द्वारा। अरे रीता मित्रा लेते बेटा नाम, अब भी लिया देखो, ये रीता मित्रा नुसरत बानो, रीता मित्रा रमेश भैया, रत्नेश कुमार, जगदम्मा देवारी, जगदम्मा भैया हमारे। मैंने आपका बंद कर दिया है सर, सिर्फ पीडीएफ हूं। अरे पढ़ती, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब बंद कर दो, चुपचाप पढ़ाई करो। अरे चंचल चंचल मिश्रा का नाम कैसे ले लेंगे, हमारी बिस्मा की बिटिया है, हमारी हस्बैंड आपके गलत कह रहे हैं, जब आप हमको दिखोगी नहीं वहां क्लास में तो हम कैसे नाम लेंगे आपका, आप हमारा सिलेक्शन हो इस बार, आपको कौन रोकेगा इस बार, बस उनसे कहिए कि आपको पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें, बस ठीक है ना।
ज्यादा से ज्यादा मौका आपको पढ़ने का दें वो, बस उनसे ये कहिए। आइसोलेटेड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आइसोलेटेड, पृथक कर देना, अकेला छोड़ देना, बिल्कुल। चलो आओ, द पार्टी स्टालवर्ट्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल, लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। लाइंग डाउन कर देंगे तो क्या करेंगे? वेरी गुड, क्लासेस लो और जितना पीडीएफ दे रहे हैं वो सब तैयार करते रहो बढ़िया अच्छे से, और लोगों को भी मोटिवेट करो जो साथी आपके हो, एक दो और एडमिशंस करवाओ, अभी आपकी तरफ से एडमिशन नहीं आए। चंचल मिश्रा आपका कमेंट देख तो रहा हूं, और कैसे देखूं भाई, इतनी देर से चंचल ही चंचल हो रहा है। अभी पार्शियलिटी करने लगे, कहेंगे बिस्वा की है तो उनका नाम बहुत लेते हैं सर। अभी देखो अभी चिड़चिड़ाने का अंशु है, अभी देखो वो जो मैडम है यही सब अभी शिकायत करना शुरू कर देंगी। प्रीति मैडम टू टेक रेस्ट, नाम नना, नाम नना। अच्छा छह वाली क्लास में भी थी, वेरी गुड। जितेंद्र सर आप भी हैं, हाँ बिल्कुल जगदम्बा भैया है ना, वो तो नियम है, उनके बिना क्लासें नहीं शुरू होती। जय दिन से आए हैं तो सबसे पहले वही पहुंचे थे। दूसरे का बी टू टेक रेस्ट, नो गलत हो गया। सी टू बी द डिफेंस, यस इज द करेक्ट, सी करेक्ट, ये थे करेक्ट। टू टेक इट लाइंग डाउन का मतलब होता थोड़ी देर के लिए रुक जाओ या चुप्पे पड़े रहो, कुछ ना करो, बात समझ गए, कुछ करो मत, डिफेंसिव रहो, जब मौका आएगा तो उड़ा देंगे, बस इस मौके के लिए वो अभी शांत रहने को कह रहा है, कह रहा अभी डिफेंसिव रहो बस। सर यहाँ मुन्नी भी, अरे सब मुन्नी तो हो आप, हमारी लोग आप सब लोग मुन्नी मुन्ना तो हो हमारे। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वालिटी का। इन द ऑफिंग का मतलब क्या है? अच्छा नीरज भैया आपका सही हो गया, अरे आप बहुत होशियार हैं भाई आप। अच्छा अक्षविता मैम आप नहीं कंप्लेन करेंगे, कोई बात नहीं, हम आपके बिना कंप्लेन करे जान जाते हैं कंप्लेन आप करती हो। उमेश भैया कमेंट आपका देखते हैं, इतना भारी भयंकर कमेंट आपका होता है कैसे नहीं देखते। मुन्नी शीला सर आर दीपक मार खाओगे अभी तुम। अब मूवमेंट ऑफिंग का है क्या मतलब है? ऑफिंग का मतलब बी होता है, बिल्कुल लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, सून इन फ्यूचर, बिल्कुल यही है। एक और कर लो, एक और करवा दे, इसके बाद एक और करवा दे, पांच हो जाए, ठीक है ना। द आर्म फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? ये दोबारा आया है, हाँ बिल्कुल आप कुछ नहीं कहती मैम, ऑन डिक्लाइन नहीं, लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, हाँ ठीक भाई आप भी नहीं करते कंप्लेन, चलिए। इन द आर्म फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस, ड्यूटी, ड्यूटी, यस बिल्कुल ड्यूटी पे मरना, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी जब किसी की डेथ होती है तो उसको कहते हैं डाइन हार्नेस। सीता इज नॉट कट आउट ऑफ, कट आउट फॉर हिज काइंड ऑफ वर्क, कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, सीता इज नॉट कट आउट, कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है? कट आउट फॉर, क्या बात है, बिल्कुल कट आउट बन गया, कट आउट बन गया। ये बता दो तो जाने, आज पोपट खूब हुए क्वेश्चन में। सुइटेबल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, बिल्कुल सुइटेबल। एक बार फिर से बताते हुए कि एलटी टीजीटी पीजीटी का ये बैच हमारा चल रहा है, एलटी टीजीटी और पीजीटी का बैच हमारा ऑन है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आ जाइए, देर न करिए, गंगा में नहा लीजिए, इस बार गंगा बहुत जोरों से बह रही है, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे भाई, अंशु मैडम नहीं बोलेंगे झूठ, आप नहीं शिकायत करते, ठीक है, हम इन बस ऐसे नाम ले लिया निकल गया, ठीक है, थैंक यू।